हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द इंडियन बुक रीडर में आपका स्वागत है। अगर आपने कभी यह फील किया है कि भीड़ के सामने खड़े होने के विचार से ही आपका दिल तेजी से धड़कने लगा है और हथेलियों में पसीना आ रहा है, तो क्या आप अकेले नहीं हैं? क्या आप जानते हैं पब्लिक स्पीकिंग दुनिया में सबसे कॉमन डर में से एक है। 99% में से 75% लोगों को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। क्या आप जानते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग का डर हम पर कितनी गहराई तक इम्पैक्ट डाल सकता है? लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे भी मजेदार चीज क्या है? ऐसे लोगों की काउंटलेस कहानियां हैं जिन्होंने इस डर का डटकर सामना किया और जीते हैं। कई फेमस और सक्सेसफुल लोग भी अपनी लाइफ में कभी न कभी पब्लिक स्पीकिंग से डरते रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि स्टीव जॉब्स, बिल ग्रेज, ओपरा विनफ्री, सभी ने एक्सेप्ट किया है कि सक्सेसफुल होने से पहले पब्लिक स्पीकिंग से डरते थे। दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा शब्द है जिसे हम में से ज्यादा लोगों को बहुत डर लगता है। लोगों से कैसे बात करनी चाहिए, स्टेज पर जाके कॉन्फिडेंस से कैसे बात करें, सोशल मीडिया के लिए अच्छे से वीडियो कैसे रिकॉर्ड होगा, बिना कट वाली इंटरव्यू में कैसे बात करेंगे, शादी के लिए प्रपोज कैसे करना है, इन सभी चीजों के लिए पब्लिक स्पीकिंग में माहिर होना बहुत जरूरी है। उस इंसान को याद कीजिए जिसका बोलने का तरीका आपको बहुत पसंद है, उसकी पब्लिक स्पीकिंग कमाल की है और आप भी उसी इंसान की तरह लाखों लोगों से बात करना चाहते हैं, उन पर पॉजिटिव प्रभाव डालना है। अगर आपके मन में भी यही सब कुछ चल रहा है तो आज की ये ऑडियो बुक समरी आपका जीवन बदल सकती है। तो आज हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, जिसे लिखा है डेल कार्नेगी ने। पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए आप अपने दिल की बात दूसरे लोगों से कह सकते हैं। पहले के जमाने में जब लोग मिल नहीं पाते थे तो वो लिखकर अपनी दूसरों तक बात पहुंचाया करते थे। सबसे पहले यह तरीका आज से लगभग 450 साल पहले इजिप्ट में आया था, जब लोग एक दूसरे को लिखकर अपनी बातें बताया करते थे। लेकिन समय के साथ साथ लोगों ने भाषा सीखी और फिर उस भाषा को इस्तेमाल करके अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना सीख गए। अगर आपको भी पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो आज की ये ऑडियो बुक समरी आपके लिए है। पब्लिक स्पीकिंग करते समय हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए और साथ ही ऑथर ने हमें कुछ टिप्स बताए हैं जो इस प्रकार हैं, तो आइए उन्हें सुनते हैं। नंबर एक है, ओवरकम फियर डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी डर को दूर हटाइए और आत्मविश्वास जगाइए। कुछ लोगों को स्टेज पर जाकर स्पीच देने में बहुत डर लगता है। ऑथर कहते हैं कि हमें पब्लिक स्पीकिंग से जुड़े इस डर को हटाना चाहिए और खुद में आत्मविश्वास जगाना चाहिए। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्रतिदिन पब्लिक स्पीकिंग की अकेले में प्रैक्टिस करें। इससे पहले आप एक टॉपिक चुनें, उसके बाद अपने मोबाइल फोन पर 5 मिनट का टाइमर लगा लें। फिर लगातार 5 मिनट तक आप उस टॉपिक पर जो भी आपके मन में आए बोलते रहें। ऐसा लगातार आप 30 मिनट तक करें। इससे आपके दिमाग को लगेगा आप तो हमेशा पब्लिक स्पीकिंग करते रहते हो। यह आपके लिए नई चीज नहीं है। इस टेक्नोलॉजी का आप पर साइकोलॉजिकल प्रभाव पड़ेगा और आपका दिमाग आपको एक कुशल वक्ता मानने लगेगा। इससे न केवल आप में पब्लिक स्पीकिंग की स्किल निखरेगी, बल्कि आपका डर भी दूर हो जाएगा, आप में आत्मविश्वास भी जागेगा। साथ ही ऑथर कहते हैं कि आप अपने ऑडियंस को अपने जैसा ही माने। कल्पना करें कि वे सुबह लैट्रिन भी गए होंगे, उन्होंने अंडरवियर में स्नान किया होगा, खाना भी खाया होगा, बचपन में उन्हें मारा या डांटा भी गया होगा। तो इस तरह से कोई भी इंसान आपसे बढ़कर नहीं है, बल्कि आप जैसा ही है, बल्कि हम सब एक जैसे ही हैं। इसलिए दूसरों के बड़े बड़े टैलेंट से कभी न घबराएं। मूल रूप से सारे मनुष्य एक जैसे ही होते हैं। अगर ऐसा माइंडसेट रखेंगे तो आपको किसी भी ऑडियंस का सामना करने में आसानी रहेगी। नंबर दो है, प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस स्पीच, यानी बोलने की तैयारी और अभ्यास करें। इसके बाद आप अपनी स्पीच लिखें, आप अपने टॉपिक्स के हिसाब से अपनी स्पीच के लिए रिसर्च करें, उससे संबंधित मैटर, एग्जांपल, फैक्ट आदि इकट्ठा कर लें। यह सब आपको इंटरनेट पर आराम से मिल जाएगा। अब आप अपनी स्पीच को 3 पार्ट में डिवाइड करिए। नंबर वन है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप जिस टॉपिक पर स्पीच देने वाले हैं उसके बारे में लोगों को बताएं। अगर आप बढ़ती बेरोजगारी पर स्पीच दे
रहे हैं तो भूमिका में आप इस समस्या से लोगों को अवगत कराएं। नंबर दो है बॉडी। ये आपकी समस्या के नुकसानों, कारणों, निवारणों और तथ्यों के बारे में बताएंगे। सबको पॉइंट में लिखें, इससे आपको स्पीच याद करने में बहुत आसानी होगी। नंबर थ्री है कंक्लूजन। कंक्लूजन्स में आप अपने टॉपिक्स के सभी बिंदुओं का निष्कर्ष बताएं और लोगों को एक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित करें। स्पीच लिखने के बाद आप इसे 7 से 8 बार जोर जोर से बोलें, फिर अकेले में बिना देखे बार बार उसे प्रैक्टिस करें। स्पीच को तब तक याद करें जब तक कि आप बिना देखे उसे बोल सकें। नंबर थ्री है डिलीवर स्पीच, यानी भाषण के दौरान जिस दिन आपको स्पीच देनी हो उस दिन नहा धोकर अच्छे कपड़े पहने, मन में अच्छे विचार भरें, आत्मविश्वास बनाए रखें। उस समय पॉजिटिव अफर्मेशन पढ़ने से आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और तेज फियर दूर हो जाएगा। जब आप स्पीच दें तो अपनी आवाज में विविधता होनी चाहिए, हमेशा एक ही टोन में न बोलें। कुछ जोशीला हो तो आवाज को तेज करें, कभी सहानुभूति से भर दें। इस तरह हर इमोशन के अनुसार अपनी आवाज को ढालें, इससे लोगों को आप एक कुशल ऑडिटर की तरह लगेंगे। साथ ही अपने विचारों का स्पष्ट, संक्षिप्त और जीवित भाषा का उपयोग करें ताकि लोगों का उस पर अच्छा प्रभाव पड़े। नंबर चार है दोस्तों, आपको अपनी स्पीच को आकर्षक और प्रभावी बनाने के लिए 3 फिगर्स ऑफ स्पीच का उपयोग करना चाहिए। सिमली यानी उपमा, मेटाफोर यानी रूपक और एनेक्डोट्स यानी कथा। उपमा ऑथर कहते हैं कि अपनी स्पीच को मनोरंजक बनाने के लिए उसमें उपमा का प्रयोग करें। उपमा में आप किसी भी चीज की तुलना दूसरी चीज से कर सकते हैं, जैसे कि वह ऐसे भागा जैसे जंगली घोड़ा भागता है। नंबर दो है आपको अपनी स्पीच में मेटाफर का भी इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आप विद्वान और ज्ञानी नजर आए। इनमें से 2 चीजों की तुलना की जाती है लेकिन एक जैसे शब्द का उपयोग नहीं होता है। नंबर सी है एनेक्डोट्स, छोटी और मजेदार कहानियाँ या किस्से होते हैं जो कोई मोरल या सीख लिए होते हैं। आप अपनी जिंदगी में पर्सनल तजुर्बे की भी बात बता सकते हैं। स्पीच के बीच बीच में ऐसे एनेक्डोट्स अपनी स्पीच में चार चांद लगा देंगे। और साथ ही नंबर 5 है प्रैक्टिस रेगुलरली। अंत में ऑथर कहते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग एक स्किल है और किसी भी स्किल की तरह यह एक दिन में नहीं आ जाती है, बल्कि आपको नियम बनाकर अभ्यास करना होगा। जैसे कोई भी व्यक्ति एक दिन में बाइसिकल चलाना नहीं सीखता, उसी तरह पब्लिक स्पीकिंग भी एक दिन में नहीं सीखी जा सकती है। आप रोजाना अकेले में प्रैक्टिस करें, इसके बाद कुछ दोस्तों के सामने बोलने की कोशिश करें और स्पीकिंग क्लब भी ज्वाइन कर सकते हैं या कोई कोर्स भी कर सकते हैं। जब भी कहीं बोलने का अवसर मिले तो उसे जरूर बोलें। हर कला की तरह पब्लिक स्पीकिंग की कला को भी प्रैक्टिस करके सीखा जा सकता है। स्टेज पर जाने से पहले अपने टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कीजिए और साथ ही अपनी सेहत का ख्याल रखिए ताकि आप लंबे समय तक अच्छे से बोल सकें। अपनी बात के जरिए लोगों में भावनाएं पैदा करने की कोशिश कीजिए। हर रोज अच्छे से प्रैक्टिस करके आप इसमें बेहतर बन सकते हैं। और साथ ही साथ अपने शब्दकोश यानी अपने डिक्शनरी के ज्ञान को बढ़ाइए। अगर आपके पास इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे शब्द होंगे तो आपकी स्पीच पहले से बेहतर होगी। इससे आप अपने विचारों को बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। इसलिए अब से अगर आप कोई किताब पढ़ें तो उसमें आने वाले उन शब्दों को नोट कर लीजिए जो आपके लिए नए हैं और फिर उन्हें अपनी स्पीच में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ऑडियो बुक समरी द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग आपको कैसी लगी? क्या आपका भी सपना है एक बेहतरीन पब्लिक स्पीकर बनने का? तो आज की ये ऑडियो बुक समरी आपकी मदद कर सकती है। साथ ही आप अपने ऑफिस वर्क में अपने कलिंग के साथ या आप कोई भी बिजनेस स्पीच दे रहे हैं तो ये सारे टिप्स आपको ध्यान में रखने चाहिए और उसे फॉलो करने चाहिए। तो दोस्तों, आज की ये ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग ऑडियो सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।